आपने गाना जरूर सुना होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। किसी भी चीज को खरीदने के लिए आप कागज के करारे करारे नोट खर्च करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के हर नोट में मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूँ क्यों लिखा होता है, इस वचन का अर्थ क्या होता है और ऐसा नोटों पर क्यों लिखा जाता है। नमस्ते, मैं हूँ मानसी और आप हैं मंच पर। हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के बाद सेंट्रल असेंबली में भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 पास हुआ था। इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया। इसी एक्ट के तहत आरबीआई को देश में करेंसी छापने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं साल 1935 के पहले भारत सरकार ही नोटों की छपाई करती थी। अगर आपने नोट को ध्यान से देखा होगा तो आपके 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट तक में मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूँ जरूर लिखा होता है। ये आरबीआई के गवर्नर की शपथ होती है कि जिसके पास भी यह नोट है उसको हर हाल में उसकी लिखी गई कीमत देने का दायित्व आरबीआई के गवर्नर का है। ये वचन यानी प्रॉमिसरी नोट करेंसी की वैल्यू को लेकर लोगों में एक विश्वास होता है कि इतनी कीमत के लिए वे इस नोट को खर्च कर सकते हैं। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है। ये प्रॉमिसरी नोट आरबीआई की ओर से एक तरह का बिना शर्त का वादा होता है कि वो करेंसी होल्डर को इतनी ही रकम देने का उत्तरदायी है। अगर किसी करेंसी नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ ये प्रॉमिसरी नोट नहीं लिखा होता तो कोई भी देशी या विदेशी व्यक्ति इस करेंसी नोट को स्वीकार करने में संकोच करता है या तो वो नकली होता है। भारत में केवल 1 रुपए का नोट ही ऐसा है जिसमें भारत के गवर्नर के साइन नहीं होते हैं और ना ही इस नोट में ये वचन होता है। 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव के साइन होते हैं। दरअसल भारत में करेंसी नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी MRS के तहत होती है। साल 1957 से ये व्यवस्था लागू की गई थी। MRS के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को हर समय कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पास रखनी होती है। इस 200 करोड़ रुपए में से 115 करोड़ रुपए गोल्ड के रूप में और 85 करोड़ रुपए विदेशी करेंसी के रूप में होनी चाहिए। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार पुनीत ने। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।